हिस्टोरिकल ड्रामा में हमें एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस के साथ साथ रोम कॉम भी देखने मिलता है। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है और अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा देखना अच्छा लगता है तब तो आपको ये सारे ड्रामा जरूर देखना चाहिए। और नंबर 2 वाला ड्रामा मेरा फेवरेट है, नंबर 15 क्वीन फॉर 7 डेज। ये एक हिस्टोरिकल रोम कॉम ड्रामा होने वाला है जो एक रियल कहानी से इंस्पायर्ड है। हमारी फीमेल लीड 7 दिन के लिए क्वीन बनती है और उसके बाद उसको महल से निकाल दिया जाता है। हमारा मेल लीड हमारी क्वीन की तलाश करने हर दिन पहाड़ों में जाता है और उसके बाद क्या होगा ये तो आपको ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। ये ड्रामा को कोरिया में लोग एक ट्रेजिक लव स्टोरी बोलते हैं। ये ड्रामा 2017 में रिलीज हुआ था और ड्रामा में आपको 20 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 14 सीक्रेट रॉयल इंस्पेक्टर। ये ड्रामा में हमारे मेल लीड का सपना है एक रेस्टोरेंट ओपन करना। वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है जिसकी वजह से वो स्टेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करता है और उसके बाद उसको सीक्रेट इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वो अपने सीक्रेट मिशन में निकलता है जहाँ पे उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है। हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज्यादा बोल्ड है और उसे अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना है। ड्रामा में आपको बहुत सारे कॉमेडी मोमेंट देखने मिलेगा और ये ड्रामा मेरा वन ऑफ द फेवरेट हिस्टोरिकल ड्रामा है। क्या हमारा मेल लीड अपने सीक्रेट मिशन में सक्सेस होगा जानने के लिए तो आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। ये ड्रामा 2021 में रिलीज हुआ था और यहाँ पे आपको 16 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 13 द क्राउन क्लोन। ये ड्रामा में जोसेन की किंग की जान खतरे में है और कई लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मेन लीड एक क्लाउन है जो हमारे किंग की जैसा दिखता है और उसको हमारे रियल किंग से रिप्लेस कर दिया जाता है। हमारा मेन लीड बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और बचपन में उसकी जान एक क्राउन के ग्रुप के लोग बचाते हैं। किंग बनने के बाद वो हमारी फीमेल लीड जो कि वहाँ की क्वीन है उसके प्यार में गिर जाता है। बट सवाल ये है कि हमारे मेल लीड के ऊपर कौन हमला कर रहा है। ड्रामा में आपको पावर और धोखेबाजी की स्टोरी देखने मिलेगा। ये ड्रामा 2019 में रिलीज हुआ था जहाँ पे आपको 16 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 12 100 डे माई प्रिंस। इस ड्रामा में हमारा मेल लीड जोसेन का किंग है जो एक परफेक्शनिस्ट है और बहुत ही ज्यादा कोल्ड नेचर का है जिसकी वजह से वो ज्यादातर टाइम अकेले रहता है। जोसेन में वो एक नया लॉ को इंट्रोड्यूस करता है जिसके मुताबिक लोगों को 28 साल से पहले शादी करना है और अगर उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको सजा मिलेगा। हमारा मेल लीड के ऊपर कोई जानलेवा अटैक करता है जिसकी वजह से उसका टेम्पररी मेमोरी लॉस हो जाता है और तभी उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है। ड्रामा में आपको रोमांस, कॉमेडी से लेकर सस्पेंस थ्रिलर भी देखने मिलेगा और ये ड्रामा 2018 में रिलीज हुआ था जहाँ पे आपको 16 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 11 अल्केमिस्ट ऑफ सोल्स। ये एक सुपरनेचुरल हिस्टोरिकल ड्रामा होने वाला है जहाँ हमारा मेल लीड अपने मैजिकल पावर से अनजान है और हमारी फीमेल लीड उसको अपने पावर वापस पाने में मदद करती है। ड्रामा में आपको ब्लैक मैजिक, सोल शिप जैसे और भी बहुत सारे मैजिकल पावर के साथ साथ हमारे दोनों लीड्स के बीच की रोमकॉम स्टोरी भी देखने मिलेगा। ये ड्रामा पुल ऑन एक्शन और सस्पेंस मूवमेंट से भरा हुआ है। ये ड्रामा 2022 में रिलीज हुआ था जहाँ पे आपको 20 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 10 द टेल ऑफ नोकुडू। इस ड्रामा में हमारे मेन लीड की फैमिली के ऊपर कोई जानलेवा अटैक करता है और हमारा मेन लीड उसको ढूंढने निकल जाता है। हमारे फीमेल लीड एक सीक्रेट एजेंट की वजह से हमारे किंग को मारना चाहती है और तभी उसकी मुलाकात हमारे मेन लीड से होती है। हमारा मेल लीड एक लड़की बन जाता है ताकि उसको कोई ना पहचान पाए। क्या वो अपने मिशन में सक्सेस होगा और आखिर हमारी फीमेल लीड का राज क्या है। ये ड्रामा 2019 में रिलीज हुआ था जहाँ पे आपको 32 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 9 रूकी हिस्टोरियन गो हे रॉन्ग। इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड एक हिस्टोरियन है जो किंग के लिए नोबेल लिखती है। लड़की होने की वजह से उसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता और हमारी फीमेल लीड का सपना है दुनिया का बेस्ट हिस्टोरियन बनना। हमारा मेल लीड एक प्रिंस है जिसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है और उसके बाद हमें एक रोमकॉम स्टोरी देखने मिलता है। ये ड्रामा 2019 में रिलीज हुआ था जहाँ पे आपको 40 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 8 मून एम्बरेसिंग द सन। इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड अपने भाई को बधाई देने के लिए महल में जाती है और तभी उसकी मुलाकात हमारा मेल लीड से होती है और हमारा मेल लीड उसको देखते ही उसके प्यार में गिर जाता है। हमारे दोनों लीड्स एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं और तभी हमारी फीमेल लीड के साथ कुछ मिस्टीरियस सी चीजें होती है। हमारा मेल लीड हमारी सेकंड फीमेल लीड से शादी करता है और सवाल ये है कि हमारी फीमेल लीड के साथ आखिर हुआ क्या। ये ड्रामा 2012 में रिलीज हुआ था जहाँ पे आपको 20 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 7 कैप्टिवेटिंग द किंग। इस ड्रामा में हमारा मेल लीड का भाई एक राजा है और अपने भाई के साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों भाई के बीच में कलेश हो जाता है और तभी हमारा मेल लीड की मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है जो कि बेस्ट बैडुक प्लेयर है। लेकिन हमारी फीमेल लीड का वो एक राज है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताती। ये ड्रामा 2024 में रिलीज हुआ था और इस ड्रामा में आपको 16 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 6 द किंग अफेक्शन। इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड के जुड़वा भाई के मरने के बाद उसकी मम्मी किसी को बिना बताए हमारी फीमेल लीड की आइडेंटिटी चेंज करके उसको अपने भाई से रिप्लेस कर देती है जो कि वहाँ का राजा था। अपने सीक्रेट को सबसे छुपाने के लिए हमारी फीमेल लीड किसी से भी नहीं मिलती। हमारा मेल लीड उसका टीचर है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है और उसको हमारी फीमेल लीड के ऊपर शक होने लगता है। ये ड्रामा 2021 में रिलीज हुआ था जहाँ पे आपको 20 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 5 लव इन द मूनलाइट। इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड अपने फैमिली की जान बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी बदल के एक लड़का बन जाती है और लड़कों को डेटिंग की सलाह देती है। एक क्लाइंट की वजह से उसकी मुलाकात हमारे मेल लीड से होती है जो कि एक क्राउन प्रिंस है
हमारा मेल लीड ये नहीं जानता कि वो एक लड़की है, पर हमारी फीमेल लीड ये नहीं जानती कि वो एक क्राउन प्रिंस है। ड्रामे में आपको बहुत सारे कॉमेडी मोमेंट्स देखने मिलेगा और ये ड्रामा 2016 में रिलीज हुआ था, जहाँ पे आपको 18 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 4, मिस्टर सनशाइन। इस ड्रामा में हमारा मेल लीड एक गरीब घर से है जो चुपके से यूनाइटेड स्टेट चला जाता है। कई सालों बाद वो साउथ कोरिया वापस आता है एज यूनाइटेड स्टेट पुलिस ऑफिसर, जहाँ उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है। हमारा मेल लीड को कुछ ऐसे सीक्रेट के बारे में पता चलता है जिसे पूरा कोरिया तबाह हो सकता है। ये ड्रामा 2018 में रिलीज हुआ था, जहाँ पे आपको 24 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 3, किंगडम। इस ड्रामा में हमें जॉम्बीज वर्सेस ह्यूमन का फाइट देखने मिलता है। हमारा मेन लीड एक क्राउन प्रिंस है जिसको अपने लोगों को जॉम्बी से बचाना है। चारों तरफ डर का माहौल है और तभी हमारे मेन लीड को ये पता चलता है कि उसे कुछ अपनों ने ही उसके साथ धोखा किया है। ये ड्रामा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसान जॉम्बी से कितने ज्यादा डरावना है। ये ड्रामा 2019 में रिलीज हुआ था और ड्रामा के टोटल 2 सीजन होने वाले हैं, जहां आपको 6 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 2, मिस्टर क्वीन। ये एक कॉमेडी हिस्टोरिकल ड्रामा होने वाला है, जहां हमारा मेन लीड एक शेफ है जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और खुद को हमारी होने वाली क्वीन के बॉडी में पता है। हमारा दूसरा मेन लीड वहां का राजा है जिसकी हमारी फीमेल लीड से शादी होने वाली है। ड्रामा में आपको बहुत सारे फनी मूवमेंट देखने मिलेगा, इसको देखने के बाद आप अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। ये ड्रामा 2020 में रिलीज हुआ था और ड्रामा में आपको 20 एपिसोड देखने मिलेगा। नंबर 1, अंडर द क्वींस अम्ब्रेला। ये ड्रामा में हमारी फीमेल लीड एक क्वीन है जो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड और सेंसिटिव है। उसके 3 बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा शरारती हैं और उनके वजह से रॉयल फैमिली को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे फीमेल लीड अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहती है और ड्रामा में आपको बहुत सारे फनी और इमोशनल मूवमेंट देखने मिलेगा। ये ड्रामा 2022 में रिलीज हुआ था, जहाँ पे आपको 16 एपिसोड देखने मिलेगा। इन सारे ड्रामा में से आपको कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।